गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अगेन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद टीजीटी पीजीटी और मैथमेटिक्स। आई टॉट इन प्रीवियस वीडियो सम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड आफ्टर दैन आई टॉट इन दिस वीडियो कि सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिपेंड अपॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी एंड दीज क्वेश्चन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कम प्रीवियस पेपर्स। इससे पहले मैंने आपका देखिए डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी टॉपिक कराए, उससे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस भी कराए। अब यहाँ पर कराने जा रहा हूँ प्रीवियस, उसी पे डिपेंड प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट सिलेबस पीजीटी टीजीटी का टॉपिक बाय विद इन 3 मंथ्स में कंप्लीट कराऊंगा और आपसे कहना चाहूँगा और इस पर प्रत्येक टॉपिक को आप देखें तो आपके सारे टॉपिक कम्प्लीट हो जाए। इसकी कोई भी आपको फीस नहीं ले जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे फीस को वहन नहीं कर सकते हैं उनके लिए सबसे अच्छा चैनल है माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब लाइक्स एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स। दिस क्वेश्चन इज कम इन PGT 2011 में PGT में आया हुआ क्वेश्चन से। ऑप्शन है आपके पास कि द लॉग ए अपॉन बी, सेकंड ऑप्शन है बी अपॉन ए, थर्ड ऑप्शन है ए बी और फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपली ही क्वेश्चन है। और देखिए मैं ये सारे क्वेश्चन जिसमें ट्रिक होगी वो ट्रिक के थ्रू कराऊंगा और जो विदाउट ट्रिक का होगा एज ए प्रोसेस उसको एज ए प्रोसेस में कराऊंगा। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारे क्वेश्चन करिए। अगर टीजीटी पीजीटी के अगर सारे पेपर आप उठा के कर लेते हैं तो कम से कम पुराने पेपर से 20 से 25 या 30 तक क्वेश्चन आपके पुराने पेपरों से बैच करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स। सबसे पहले देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्वेश्चन ऑफ गिवन द फॉर्म ऑफ दिस वी फोर वी अप्लाई द लिमिट। सबसे पहले हम x इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे। अगर ये 0.0 की फॉर्म में आ जाता है, देखिए ए टू दी पावर जीरो वैल्यू वन बी टू दी पावर जीरो वन अपॉन जीरो मीन जीरो अपॉन जीरो। ये क्वेश्चन हमारा 0.0 की फॉर्म में आ गया। इससे हम देखेंगे सबसे अच्छा मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर। जब 0.0 की फॉर्म में आ जाए तो आप सबसे पहले कोई मेथड अप्लाई ना करिए, आप सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल मैं पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ कि इंडिविजुअली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए माइनस और सेकंड का डिफरेंशिएशन बी टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ बी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन। आफ्टर देन अप्लाइंग द लिमिट अप्लाई करेंगे आप ए टू दी पावर जीरो लॉग ऑफ ए माइनस b टू दी पावर जीरो लॉग ऑफ ए टू दी पावर जीरो वैल्यू वन लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, दैट इज बाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग a अपॉन b आंसर आ गया a अपॉन b। इट मीन्स ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है लॉग a अपॉन b, सेकंड ऑप्शन b अपॉन a एंड दिस। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई किया तो आपने देखा 0.0 की फॉर्म में आ जाए तो फर्स्ट भी अप्लाई बाय द एल हॉस्पिटल रूल। सबसे सिंपल और अच्छा मेथड है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल में इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करिए
डिफरेंशिएशन करने का आफ्टर देन अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने अगेन अगर वही फॉर्म बनती है तो फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई किया तो हमारा 0.0 फॉर्म बनी नहीं, नीचे वन आ गया, तो जीरो बनने का चांस ही नहीं है, तो ए टू दी पावर जीरो अप्लाई किया वैल्यू वन, दैट मीन्स लॉग ए अपॉन बी, तो आंसर आ गया आपका ए अपॉन बी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, प्लीज मेक अ नोट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे, एफ एक्स इज फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो, एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन, एंड टू माइनस एक्स ऑफ दिस इज, ऑप्शन हमारे पास है कंटिन्यूस एट बोथ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन, दोनों पे कंटिन्यूस है, पहला ऑप्शन कंटिन्यूस at x equal to 0 and discontinuous at x equal to 1 and discontinuous x equal to 0 and continuous at equal to none of these, इसमें से आपको देखना है कौन सा है, तो हमें दोनों पे चेक करना है x equal to 0 and x equal to 1 पर, देखिए फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, तो आपका पहले आप चेक करने के लिए for function is continuous एट एक्स इक्वल टू जीरो, इफ हम जनरली अगर यूज करते हैं इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस द एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर कंटिन्यूस है, अभी हमने चेक नहीं किया, अगर मान लेते हैं कंटिन्यूस है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, एफ जीरो और आपका आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, ये तीनों राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जीरो इज सेम, तीनों सेम आना चाहिए, फर्स्ट बीच है f of 0, it means x equal to 0, तो x equal to 0 यही function लिया जाएगा, it means minus of 0 that is 0, अब RHL right hand limit देखेंगे आपका, तो limit x tends to 0 and plus f of x equal to limit h tends to 0 f 0 plus of, अब हमारे पास आ गया 0 प्लस h, 0 प्लस h यहां चेक करिए, 0 प्लस h इट मींस अब कौन सा फंक्शन इसमें यूज किया जाएगा, 0 प्लस h जो x की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है, और यहां क्या है हमारे पास लेस देन है, और यहां क्या है आपका x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेकिन 1 से लेस देन है, 1 से लेस देन है, तो ये फंक्शन यूज होगा हमारे पास, इंप्लाई दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 that 0 plus h, it means value is 0, value 0 आ गया आपके पास, ठीक, अब आपके पास निकालना है आपको, ये आ गया RHL, अब लिखेंगे आपका LHL, left hand limit, limit x tends to 0 in minus or fx, limit h tends to 0 in minus f 0 minus h, f 0 minus h, इट मीन्स अब हमारे पास जो एच की एक्स की वैल्यू है वो जीरो से छोटी है, तो जीरो से छोटी किसमें है, इसमें, तो इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे आप, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस बार जीरो माइनस ऑफ एच, इट मीन्स आपका ये भी वैल्यू और जीरो, तो आपने क्या देखा, देखिए फंक्शन हमारे पास तीनों वैल्यू दी है, देखिए आप चेक करिए f 0 equal to 0 and RHL equal to 0 and LHL equal to 0, इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास ये फंक्शन तीनों बराबर है, तो फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो गया, सबसे पहले ऑप्शन चेक करिए, कंटिन्यूस एट x equal to 0, कंटिन्यूस एट x equal to 0, डिसकंटिन्यूस ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी गायब, हटा दीजिए इसको, एलिमिनेट होगा, केवल दो फंक्शन है कंटिन्यूस x equal to 0 और ये आपका ही आ रहा है, अब इनमें हमें वन पे चेक करना है कि वन पे फंक्शन कंटिन्यूस आता है या डिसकंटिन्यूस आता है, प्लीज हैव ए नोट, अब आप चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन, x equal to 1 पे चेक करेंगे तो देखिए x equal to 1 कहाँ है आपके पास, सॉरी ये वैल्यू है पास,
टू माइनस है ग्रेटर इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन इसी में है। तो देखिए आपका एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया जाएगा टू माइनस वन एट एक्स इक्वल टू ऑफ वन, तो एफ वन इक्वल टू टू माइनस वन दैट इज वन। एफ वन की वैल्यू आ गई आपके पास वन। एंड आर एच एल राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस और एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस ऑफ एच, वन प्लस ऑफ एच इट मीन्स वी टेक द फंक्शन ऑफ दिस, एक्स की वैल्यू इसी में वन के बराबर, वन से ग्रेटर है तो फंक्शन हम यही रहेंगे आपके पास यही रहेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो टू माइनस वन प्लस ऑफ एच, आपका लिमिट h टेंस टू जीरो वन माइनस ऑफ h दैट इज वन। लिमिट हमारे पास आर एच एल भी बनाया एंड अगेन एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। देखिए लिमिट x टेंस टू वन इन माइनस और f x, लिमिट h टेंस टू वन इन माइनस f वन माइनस ऑफ h, वन माइनस ऑफ एच वैल्यू देखिए यहाँ। अब ये फंक्शन इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर लेकिन लेस देन वन, इट मीन वन माइनस एच, वन से छोटा, तो ये फंक्शन यूज करेंगे। समझ आ रहा होगा सिंपल सा आपका। सबसे मेन इसमें ये कि फंक्शन हम कौन सा कंसीडर करें, तो सबसे पहले फंक्शन ये कंसीडर करेंगे आप, तो लिमिट एच टेंस टू वन एच टेंस टू जीरो सॉरी एच टेंस टू जीरो, तो ये फंक्शन आ जाएगा आपका वन माइनस ऑफ h, that is value is 1, so f1 equal to rhl equal to hll equal to 1, so function is continuous f x equal to 1। आपने क्या देखा, function दोनों पे continuous है, x equal to 1 पर और x equal to 0 पर, check करिए continuous at both, so option is first is correct, ऑप्शन ए सही है, दोनों फंक्शन को कंटिन्यूस है हमारे पास x इक्वल टू वन पर और x इक्वल टू जीरो पर। प्लीज मेक अ नोट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समझ आ रहा होगा सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन वेन एक्स लेस देन टू एंड टू एक्स माइनस वन वेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू टू इक्वल्स टू द फर्स्ट ऑप्शन जीरो वन टू डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश टू इट मीन्स एफ डैश टू फाइंड करना है एग्जिस्ट करता है या आप फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफ्रेंशिएबिलिटी में क्या होता है, LHD, left hand differentiability and right hand differentiability आज same आती है, तो exist करेगा, otherwise exist नहीं करेगा। तो देखिए हमारे पास function क्या है, fx equal to x plus 1, x less than 2 and 2x minus 1, x greater equal to 2, ये value आपके पास आती है, ठीक? तो देखिए सबसे पहले LHD, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx माइनस f2 और डिवाइड बाय x माइनस 2। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला, fx x माइनस 2, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 डिवाइड बाय 2 माइनस h माइनस 2 कैंसिल आउट, इंप्लाई दैट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू और डिवाइड बाई ऑफ माइनस ऑफ एच। देखिए एफ टू माइनस एच इट मीन्स जो x की वैल्यू है टू से कम है, और टू से कम कहाँ पर है ये देखिए, ये और फंक्शन सॉरी
हाँ ये, और इसमें फंक्शन ये कंसीडर है ठीक। लेकिन दूसरा क्या है f2, तो f2 इसमें है, x की वैल्यू 2 के इक्वल इसमें है, तो ये फंक्शन इसके लिए कंसीडर किया जाएगा। तो यहां लगाइए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू 2 माइनस एच प्लस 1 माइनस एफ टू, यहां आएंगे 4 माइनस 1 दैट इज 3, और डिवाइड बाई माइनस ऑफ एच, लिमिट ये कितना हो गया आपका h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ एच, कैंसिल आउट दैट इज वैल्यू इज 1, माइनस एच से माइनस कैंसिल वैल्यू 1 आ गया आपका। एंड अब आएगा आर एच बी, आर एच बी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू आपका 2 प्लस एंड एफ एक्स माइनस एफ 2 और x माइनस ऑफ 2, इसमें प्लस वैल्यू लगा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस ऑफ 2 कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f 2 अपॉन ऑफ h। जब ये वैल्यू लगाए देंगे f2 प्लस h, कौन सा फंक्शन कंसीडर किया जाएगा ये, लेकिन f2 के लिए तो यही फंक्शन आ गई। तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 तो आपका 2 प्लस h 2 प्लस h माइनस 1 और माइनस ऑफ 3 और अपॉन ऑफ h, सॉर्ट आउट करिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 जा 4 प्लस 2h और माइनस 1 माइनस 3 अपॉन ऑफ एच, ये और ये कैंसिल, एस से एस कैंसिल, दैट इज वैल्यू इज 2, वैल्यू 2 आ गई, इट मींस RHD डज नॉट इक्वल टू LHD, एग्जिस्ट नहीं करते इसका मतलब बराबर नहीं है, तो वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, वैल्यू लर्न नहीं कर पाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन है 0 1 2 3 डज नॉट एग्जिस्ट, डी आंसर इज करेक्ट ठीक। सिंपल सा है आपका डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि f डैश टू फाइंड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ फंक्शन हमारे पास दो हैं, x लेस देन 2 और x ग्रेटर इक्वल टू 2, अगर एक फंक्शन होता डिफरेंशिएट करते आपको x के प्लेस पर 2 लगा देते आंसर आ जाता, यहाँ पे दो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन कंसिडर करें, इस वजह से इसमें LHD और RHD राइट हैंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अगर बोथ आर इक्वल देन वी से देन द फंक्शन इज एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। Understand all the student, very simple question of this, देखिए तो ये question इसका सही है। F का दूसरा तरीका भी simple है, अगर आप generally चाहना करना चाहें short में, अगर normal देखना चाहें कि f dash इसका differentiation करें तो f dash x तो ये आपका 1 आएगा, और इसका differentiation कर दें तो f dash x इसका करें तो कितना आएगा 2, तो ये वैसे भी equal नहीं, और equal नहीं है तो adjust नहीं करेंगे, adjust नहीं करेंगे इसका मतलब क्या, does not exist वाला option सही है, समझ आ गया होगा, सिंपल है आपका ठीक है ना, प्लीज मेक अ नोट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपके लिए, अगर आप पीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्वेश्चन 100% दोनों में ही आते हैं, कॉमन टॉपिक है टीजीटी पीजीटी का। तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए और प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से आप इन्फॉर्म करें, मैं आपका उस टॉपिक को पहले कराऊंगा, बाकी टॉपिक बाद में कराऊंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू टेन के एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0 एंड 3x प्लस 2k स्क्वायर x less than equal to 0, then we find the value of k। जनरली ये कह रहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है ठीक है ना, तो आपका x equal to 0 पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, x equal to 0 पर क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो k की वैल्यू फाइंड करिए, ऑप्शन हमारे पास है 1 2 44 और none of these, ये 2005 में आपका PGT में आया हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए देखिए, अगर if क्या जानते हैं, we know that fx is continuous at x equal to 0, अगर fx x equal to 0 पर continuous है तो f0
RHL इक्वल टू LHL, ये तीनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। हम जानते हैं अगर ये कंटिन्यूस है तो ये राइट हैंड डिफरेंशिएबल, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ जीरो की वैल्यू सेम होगी, ठीक ना। ये क्वेश्चन पहले से ही बता रहा है। तो देखिए पहले आपका एफ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, वी टेक द फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इसी में है, क्योंकि ये जो है एक्स लेस देन जीरो के लिए है और ये एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक ना। तो देखिए इसमें जीरो प्लस टू के स्क्वायर इंप्लाई दैट टू के स्क्वायर ये वैल्यू एफ जीरो की आ गई। अब एल एच एल निकालिए, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच इट मीन यू टेक द फंक्शन ऑफ दिस, ये वाला फंक्शन लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये फंक्शन लेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन के जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस ऑफ एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन माइनस के एच अपॉन माइनस ऑफ एच, ये माइनस टेन का आप जानते हैं माइनस बार आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगा तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये आपका टेन के एच और ये आपका क्या है एच, के का मल्टीप्लाई करिए एंड के का डिवाइड करिए, टेन थीटा अपॉन थीटा वैल्यू इज वन, ये वैल्यू वन इट मीन्स वैल्यू के, आप जानते हैं कंटिन्यूटी के लिए एफ जीरो इक्वल टू एल एच है, दोनों बराबर होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस है, पहले ही कहा उसने फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू और एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट का लिए दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो देखिए आपका ये आपका टू के स्क्वायर इक्वल टू के, टू के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो, तो के कॉमन टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन के इक्वल टू जीरो एंड वन बाई टू। अब चेक करिए ऑप्शन में, वन नहीं है, टू नहीं है, 44 नहीं है, नन ऑफ दीज, इट मीन्स इसका भी फोर्थ आंसर सही होगा नन ऑफ दी, के की वैल्यू हमारे पास आ रहा है 0 एंड 1 बाई टू, लेकिन इसमें 0 और 1 बाई टू नहीं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर आगे अगेन कहना चाहूँगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कराने जा रहा हूँ और सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू, इफ यू न्यू व्यूअर माई यूट्यूब चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching the video.